दोस्तों होटल तो बैठे हैं, नाश्ते का भी क्योंकि तो 9:30 का टाइम हो गया। रोटी उन्होंने आखी उन्हें आख्या भाई नाश्ते का भी हूँ टाइम मुका खलोता है तो रोटी आली लेट है। ऐसा कि चलो यार का छत लाई आओ क्यों परेशान बैठे हैं। नाल कुछ चाह चो या खेगा ही ना अच्छा ये दोस्तों स्लाइडिंग तुसी वेख रहे हो रोड ते ये पहले जिहड़ी बारिश आई है ना उन्हां दे विच ये कोई ना आई। ये मेरे ख्याल है कि हुण नवें ना वेखो पूरा तो पूरा पहाड़ थल्ले आया पे रोड ते कि हुण भी ये तो मतलब है कि किसी वेले ये रोड ते बंद होवण दे चांस हैं। दोस्तों अगर यो वाले यानी कि पंजाब तो अगर तुसी जाओ बलोचिस्तान तो जी मेन सब तो ज़्यादा खतरनाक चढ़ाई तो खतरनाक उतराई लगती है ना वो है सामने। दोस्तों इस उतराई का मैं ना रखे हुआ है खूनी उतराई क्योंकि इतने अज तला तो शुक्र है कोई ऐसी गड्डी कोई नहीं हादसा होया हूँ तो कोई नहीं अल्लाह के शुक्र है कोई हादसा ऐसा नहीं होया लेकिन अगे तकरीबन को हर चक्कर आ भी आना तो इस उतराई तो कोई ना कोई गड्डी यानी कि ऐसा कोई निज़ाम बनता है कि वो ब्रेक ना लगन की वजह तो ड्राइवर बेचारे साइड तो साफ जा रहे बजाय दे कि थले सट्टन दे वो कोशिश करते हैं कि पहाड़ के नाल मार के गड्डी का जितना हो सके वो थोड़ा तो थोड़ा नुकसान हो। अच्छा दोस्तों जी मैं समझा ना कि सब तो वड्डी वजह इतने आके ब्रेक गड्डी दे ना लगन की जी वजह है ना वो है कि दूरों इतने तकरीबन पिछले कोई 35-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर मुसलसल उतराई है। अच्छा उतुला व्हील गर्म हो इतने आके बिल्कुल अचानक तो ज़्यादा उतराई पै जाती है। अच्छा इतने बिल्कुल अचानक उतराई की वजह तो ना अक्सर ड्राइवर बिरा मुड़ वड्डे गेयर तो छोटा गेयर लावे लगते उत्त कि गेयर ना लगा बहरा अल्लाह तबारक व ताला हर
ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਈ ਅਗਰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦੇਰ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਲੇ ਸਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਰੋੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਨਿਕਲੋਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੋਸਤੋ ਬੜਾ ਇਨ ਬਲੂਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਆਈ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 400 ਰੁਪਈਆ। ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ 2 ਚਾਵਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਲੇਹ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆਈ 350 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਇਤਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ।